हेलो गाइस, आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई टू बैंकॉक। एंड हमारे बैग्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। एंड हमारी एयरलाइंस है थाई लाइन्स। आप अगर थाई लाइन्स से ट्रैवल करते हैं तो 20 kg बैगेज एंड 7 kg हैंडबैग आपको अलाउ होता है। सो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने वेट के अकॉर्डिंग ही पैकिंग करी है, इवन थोड़ी कमी रखी है, बिकॉज इंटरनल फ्लाइट में हमारा वेट वहाँ कम हो जाएगा 10+7। सो आप देख सकते हैं अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और जस्ट हम लोग अभी घर से निकले हैं। एंड गाइज, यहाँ हम हमारी कैब का वेट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ बैगेज थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए कैब आने में थोड़ा सा टाइम लगा। एंड नाउ द कैब केम एंड वी आर एक्साइटेड फॉर आर ट्रिप। एंड बच्चा इज़ ऑल्सो फुली एक्साइटेड। एंड गाइज, अगर आप लोग मुंबई में एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो थोड़ा पहले ही निकलो, बिकॉज़ यहाँ ट्रैफिक होता है। हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि 7 o'clock एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, बट हम लोग 7:30 एयरपोर्ट पहुँचे। एंड ये मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड इट इज़ टर्मिनल 2, यू कैन सी। एंड ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट गेट पे सिक्योरिटी चेक हुआ, हमने हमारे पासपोर्ट एंड टिकट दिखाया। एंड मम्मा एंड अथर्व अंदर जा रहे हैं, डैडी जब तक देखने गए हैं कि थाईलैंड का डेक्स किधर है और कब स्टार्ट होगा। मुंबई एयरपोर्ट गाइस बहुत बड़ा है, अगर आप लोग थोड़ा पहले आओ तो ही अच्छा है, बिकॉज़ इंक्वायरी में भी थोड़ा सा टाइम जाता है। एंड गाइस, ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद हमारा थाईलैंड का डेक काउंटर स्टार्ट हुआ। एंड टाइम ऑलमोस्ट अभी हो रहा है 8:40 एंड बच्चा इज़ वेरी हैप्पी टुडे एंड ही इज़ फुली एक्साइटेड फॉर हिज ट्रिप। एंड गाइज, यहाँ हम लोग अपना बैग सबमिट कर रहे हैं। हम लोग घर से ही वेट अच्छे से करके आए थे, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वेट कम ज़्यादा नहीं हुआ, आराम से हमारा बैग सबमिट कर दिया हम लोगों ने। एंड अब हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। एंड गाइज, एज थाईलैंड अभी इंडिया के लिए वीज़ा ऑन अराइवल हो गया है, कह सकते हैं वीज़ा फ्री हो गया है, तो देखते हैं वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या हमें वहाँ पे दिखाना है। ये यहाँ पर हम जस्ट इमिग्रेशन के लिए निकले हैं एंड ये इमिग्रेशन का लाइन है गाइस। तो देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगता है इमिग्रेशन कराने के लिए। और गाइस, हमारा इमिग्रेशन हो गया है एंड अभी वीज़ा फ्री हो गया है, इसलिए हम लोग को जल्दी फ्री कर दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जस्ट हमारा पासपोर्ट एंड टिकट्स ही चेक हुए यहाँ पर, एंड ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ भी हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड नेक्स्ट हम अपने गेट के लिए जा रहे हैं। एंड गाइज, इससे पहले हम लोग अपना सिक्योरिटी चेक भी करा चुके हैं, सिक्योरिटी चेक भी हमारा आराम से हो गया, कहीं कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड अथर्व इज़ प्लेइंग हियर, उसको ऐसे खेलने में बहुत मज़ा आता है, वो अपना अलग ही इंजॉय कर रहा है। एंड गाइज, अभी हम लोग हमारे गेट की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है तो पहुंचने में भी टाइम लगा, 10-5 मिनट लगे, और अथर यहाँ पे भी भाग ही रहा है। एंड ये हमारा गेट है एंड अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:40। एंड गाइज, फूड आइटम्स एंड वाटर बॉटल एक्चुअली अलाउ नहीं होता। एंड सिक्योरिटी चेक के टाइम पे आई टोल्ड देम कि साथ में बच्चा है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत फूड आइटम्स और वाटर बॉटल लाने दिया। एंड अभी हो रहा है टाइम 11 o'clock, और एक्सपेक्टेड था कि 11 और 11:15 तक बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट अभी तक फ्लाइट ही नहीं आई है शायद, तो कुछ पता नहीं, लेट हो गई है फ्लाइट। एंड बच्चा अभी फुली टायर्ड हो गया है, तो आके वो मम्मा गोदू ऐसे सो गया, और वैसे भी वो 4 बजे स्कूल से आया था और हम लोग 5:30 घर से निकले थे, तो उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, और इतनी देर से यहाँ
खेल खेल के वो थक गया और यहाँ कुछ ऐसा उसको सुलाने का प्लेस नहीं है, तो उसको मम्मा ने गुड्डू ले लिया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा, जिससे क्योंकि बोर्डिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो चुका है और रात भी हो गई है। एंड गाइस, बच्चों के साथ आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता ही है। एंड अभी हमारी फ्लाइट थाईलैंड की आप देख सकते हैं आ चुकी है, तो होपफुली अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड गाइस, फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और अभी टाइम हो रहा है 12:50। क्या होता है मूवी में? स्लीपिंग। हाँ, मतलब अभी आजकल मूवी मूवी को बना दिए हैं जो चिड़ाते हैं, अभी पर मूवी मूवी होता है जो सोते हैं। गाइस, हम लोग बोर्ड कर चुके हैं और फ्लाइट है और 1 घंटा लेट है और बहुत नींद आ रही है। ये देखो, बेबी टायर्ड। गाइस, मॉर्निंग के 4:45 हो रहे हैं। गाइस, हम लोग बैंकॉक के डॉन मुइंग एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। बैंकॉक में वैसे 2 एयरपोर्ट हैं, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और डॉन मुइंग एयरपोर्ट। डॉन मुइंग एयरपोर्ट यहाँ का पुराना एयरपोर्ट है और कंपैरेटिवली स्वर्णभूमि से छोटा है, और मोस्टली जो फ्लाइट इंडिया की आती हैं वो स्वर्णभूमि पर लैंड करती हैं, बट हमारी फ्लाइट यहाँ डॉन मुइंग एयरपोर्ट पर लैंड करी है। एंड इसके बाद हम लोग हमारे इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ इमिग्रेशन की, तो बैंकॉक में भी हम लोगों से इमिग्रेशन के टाइम पर कुछ डॉक्यूमेंट्स या फोटोज़ कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हमारा पासपोर्ट चेक किया और एट दैट टाइम हमारा बस उन्होंने फ़ोटो लिया कैमरे से और हमें परमिट किया, स्टैंप लगा दिया। और जो करेंसी चेक करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, तो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ करेंसी हम लोगों को कैरी करनी होती है, वो करेंसी भी उन्होंने चेक नहीं की। गाइज, यहाँ हम लोग हमारे लगेज के लिए आए हैं और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी हमने हमारे पूरे ट्रैवलिंग में, वो बैंकॉक में लगेज कलेक्ट करने के टाइम की। एक्चुअली यहाँ पर बेल्ट चेंज हो गया था और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं था कि बेल्ट चेंज हो गया है, तो हम लोग को वहाँ खुद इंक्वायरी करना पड़ा। तो फिर बाद में पता चला कि बेल्ट चेंज हो गया है, फिर हमने आके लगेज कलेक्ट किया यहाँ से, और लगेज कलेक्ट करने में ही हमको 30-35 मिनट्स लग गए, तो यहाँ पर ही हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा और फ्लाइट भी थोड़ा सा लेट है। सो गाइज, हम लोग यहाँ अपना लगेज कलेक्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं। और ये डॉन मुइंग एयरपोर्ट छोटा एयरपोर्ट है, यहाँ 4-5 ही बेल्ट हैं, निकलते ही हमको दिख जाएंगे। यहाँ पर 4 से 5 बेल्ट हैं एंड उसके जस्ट सामने ही सिम लेने के लिए काउंटर्स हैं। हमने हमारा सिम ऑलरेडी प्री बुक कर दिया था क्लूक वेबसाइट से, तो हमने उसे कलेक्ट किया। यहाँ बेल्ट के जस्ट सामने ही काफ़ी सारे सिम लेने के लिए काउंटर्स हैं, आप चाहें तो यहाँ आकर भी ले सकते हैं या प्री बुक भी कर सकते हैं। हमने प्री बुक किया था जो हमें कंपैरेटिवली चीपर ही पड़ा, चीपर ऑप्शन है ये अगर आप उसको ऑनलाइन बुक करते हैं तो। एंड सो गाइस, सिम कलेक्ट करने के बाद हम लोग हमारे जो ट्रिप एजेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिले, उनके हाथ में ऑलरेडी हमारे नाम का बैनर था। एंड शी ग्रीट अस और उन्हीं ने हमको गाइड किया कि हमारा टैक्सी हमको कैसे मिलेगा, हु इज़ आर ड्राइवर। एंड हमारा जो टैक्सी है वो भी प्री बुक्ड प्राइवेट व्हीकल है। एंड ये हम लोग एयरपोर्ट के बाहर हमारे
टैक्सी का या और ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग सीधा होटल जाने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर मिल चुके हैं और हमें बराबर गाइड कर रहे हैं। और गाइस, आप देख सकते हैं, ये हमारा प्राइवेट प्री बुक्ड व्हीकल है जिससे हम लोग होटल जाने वाले हैं। एंड फाइनली हम लोग बैंकॉक आ गए और सारे एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ कर लिए। जस्ट हम अपना सामान लोड कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग सीधा होटल के लिए निकलेंगे। हम लोग यहाँ थाई टाइम के हिसाब से 6:30 लैंड कर लिया था और बाहर निकलते निकलते 8 o'clock हो गया है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल के लिए। हमें हमारा टैक्सी मिल गया है एंड वी स्टार्टेड आवर ट्रिप।